एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज होने वाली है ट्रैक डोमिनार। पीछे दिखा दो, उधर पीछे कुछ दिख रहा है? आर ई। तो आज हमारे पास इसी की बाइक है, GT 650। बाइक दिखा दो पहले तुम्हें दोनों। ये देखो अपनी डोमी, और ये रही बेब। कितनी प्यारी लगती है भाई GT 650। हो कितनी बीएचपी है गाइस इसमें? 40-50 तो इसमें अराउंड 43 BHP है, और टॉर्क भी अराउंड मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 40 प्लस ही है। तो भाई कहते भी लोग इसे टॉर्क मास्टर है। गेवल सिलेंडर। तो भाई इतनी स्मूथ है ना, इतनी रिफाइंड है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ भाई ले लो, गरम है। तो इनकी अभी ड्रैग होने वाली है, अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे, खाली हाईवे पे जाएंगे, अभी तो धीरे धीरे चलने वाले हैं यहाँ से। तो चलो निकलते हैं, अब मिलते हैं सीधा मेरे वाली बाइक पे, बाद में ये वाली चलाएंगे। अभी थोड़ी देर भैया को इनको चलोरी ज़्यादा इसको चलाने की, तो ये चलाएंगे। तो आओ। तो भाई देखो, ड्रैग ऐसी जगह पे तो होने नहीं वाली है कि इतने ट्रैफिक वाले एरिया पे है, तो खाली जगह पे जा रहे हैं अभी हम। अपनी डोमिनार पे दोबारा वापस आ गए हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया, भैया को ज़्यादा चलोरी थी वो वाली बाइक चलाने की। भाई है भी इतनी प्यारी, मतलब स्मूथनेस तो अलग ही लेवल है उसमें, पता भी नहीं चलता कब मैं 6000 RPM पे हो। तो बाइक देखो कितनी प्यारी लग रही है, मत भगा यार, वो कर्व पे तो धीरे चल नहीं वाला। अब एक तो ये जैकेट पहन के नहीं आया है। कहा था इसको मैंने जैकेट पहन ले, हाल तुम्हें पता नहीं क्या फुल कपड़ेबाजी हो रही है, उड़ना बाजी। फील तो मज़ा आ गया भाई। बाइक देखो कितनी प्यारी लगती है। अपना जो देखो यार, ट्रैक वगैरह तो ऐसी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, पर फॉर फन पर्पस देखते हैं। अरे भाई पूरी लिटा देता है यार ये, कुछ भी हो, इतनी स्मूथ बाइक मैंने पहली बार चलाई है, 2 सिलेंडर, तो बहुत सेक्सी है। पीछे मेरे प्रतीक बैठा है, और प्रतीक तुमने पहले व्लॉग नहीं देखे तो आई बटन में डाल रहा हूँ लिंक, प्रतीक की देखना कैसे फटती है बाइक पे, देख लेना जाके। तो पीछे मेरे प्रतीक बैठा है, वो कह रहा है कि आज मैं अकेला चलूँगा। तो अभी पेरिफेरल तक जा रहे हैं, थोड़ा सा ही पड़ता है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर जाके अपनी ड्रैग शुरू करेंगे। कंपैरिजन वीडियो है दोनों बाइक की है। देखो ऑब्वियसली GT तो 650 है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी ट्राई करना तो बनता है। तो भाई ऑन पेरिफेरल, अब शुरू करते हैं इसकी ट्रैक वर्सेस इसकी, दोनों की। देखो भाई कुछ भी बोलो, लगती है अपने वाली भी प्यारी है, कितनी सेक्सी लग रही है पीछे से। भाई इसके जब एग्जॉस्ट वगैरह चेंज हो जाएंगे तो ये भी सेक्सी लग रही है। इसके टायर थोड़ा पतला है ना, उससे 130 सेक्शन है, 150 सेक्शन है। तो ये तो अपनी माल, अलग ही माल चमकती है भाई, मज़ा आ जाता है इसको देख के। तो चलो शुरू करते हैं दोनों की ट्रैक। मैं पहले चलाने वाला हूँ ये, और उस वक्त वो चलाने वाला है, उसके बाद फिर स्विच करेंगे दीजिए। तो भाई लेट्स स्टार्ट दोनों की ट्रैक। राइट राइट टू राइट राइट डिफरेंस। डोमिनार बेबी, हाँ क्या हाल है, आओ पीछे छोड़ते हैं डोमिनार को। अरे फट रही है इसको चलाने में। भाई मेरा हाथ नहीं बैठा इस बाइक पे। भाई डोमिनार पेल जाएगी, नहीं पेलेगी, ऐसे कैसे पेलेगी। वाह बेबी, बाय बाय। GTOP भाई, अरे बबल कर रही है, अरे भाई बबल कर रही है बहुत ज्यादा, ऐसे कैसे, क्या हो रहा है ये भाई। GT को
भाई नहीं चल रही, बहुत ज्यादा वॉबल कर रही है। डोमिनार पीएलसी ले गई भाई। शिट, अरे यार छी यार छी रॉयल एनफील्ड। मैंने देखी है ये चीज, ये बहुत ज्यादा वॉबल करती है पता है, मतलब हाई स्पीड में। मेरा हाथ नहीं बैठा एक तो इस बाइक पे बिल्कुल भी। अरे नहीं 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 भाई, जीटी कभी मत लेना, मैं बता रहा हूँ कभी मत लेना भाई। इतनी वोबल करेगी तो भाई कैसे कोई बंदा चला लेगा। अगर कोई बम्प आ रहा है तो बस कूदती चली जाती है पूरा। छी हो गया भाई, अभी नहीं समझ आया मेरे ये वाली ट्रैक क्या थी, पर थोड़ा पीछे लगाते। रुक जाते हैं, समझ नहीं आया मेरे। ओहो बहुत ज्यादा वोबल, जीटी कभी मत लेना भाई, साफ सी बात है। हल्का सा बम्प आते ही 140 पे भी यूं हल्की सी हो तो यूं होती है, फिर चलते चलते रोड टायर है नीचे रोड पे यूं वोबल कर रही है। बहुत ज्यादा वोबल कर रही है भाई, राइडर चेंज करके देखते क्या होगा। तो भाई इस पर 178 नहीं मेरा भी इतना ही है, 76 था सॉरी। तो वजन का फर्क तो ठीक है भाई, अंधी वोबल कर रही थी मेरे से तो ढंग से चली नहीं, हाथ भी नहीं बैठा है। अब उत्साह भाई चला के देखेंगे, बहुत ध्यान से चलाइयो, अंधी वोबल तो संभाल लेगा। पर तो अभी आते हैं अपने डोमिनार पे। पहली उसमें तो देखो कुछ कंक्लूजन निकला नहीं इतना, दोनों बराबर सी ही थी, वो ज़्यादा वोबल कर रही थी। तो ये स्टेबल चलती है, चिपक के चलती है अपनी बाइक यार, इसे ऐसे ही थोड़ी डोमिनार ली थी यार। जीटी क्यों नहीं ली हमने, इसीलिए तो नहीं ली यार, तुम्हें पता ही नहीं है। आओ चलो, तीन ओन पे निकलेंगे। परफेक्ट लॉन्च, इसको तो मैं अपने वाली को तो देख लूंगा। आगे जाती हुई वो दिख रही है तुम्हें लेफ्ट में, भाई अंधी घूमती है वो वाली बाइक। अभी देखो पीछे छोड़ूंगा इसको, पूरा काटूंगा जीटी को, गोरी जीटी। ट्रैफिक है यार, पीछे छोड़ दिया भाई जीटी को। आने दो आने दो आने दो, थोड़ा सा आने दो, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है, माफी गाइस। यार वो सही चलती है काफी, उसमें पावर बहुत ज्यादा है और वोबल तो उतना करती है पूछो मत। देखते हैं उसके ऊपर उसके साथ वोबल करी या नहीं करी। अरे पत्थर मार रही है,
enough, 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 enough. तो भाई तुमने देखा 40 vs 47 horses, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों साथ में ही चलती है. और वो थोड़ी ज़्यादा वोबल कर रही थी मेरे पास, भाई से पूछते अभी करी या नहीं करी, तो आओ भाई से रिव्यू लेते क्या रहा. वोबल कर रही थी मेरी तो हर बम पे करी है, मैं यूं था लटका हुआ हैंडल पे तब भी कर रही थी. अरे यार ये भी तो नहीं है, इस वाली में तो तूने दिक्कत देखी है, हर उसमें होती है, आ रही में हाथ छोड़ते ही नाचने लगती है, वो है. तो आगे भाई काम चाहिए इसमें, हाँ अपसाइड डाउन चाहिए. वैसे तुमने देख लिया भाई, डोमिनार बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास बाइक है. मुझे KTM से भी अच्छी लगती है, RC वगैरह से. उनसे RC थोड़ी मैंने चलाई नहीं है अभी तक, बल्कि मुझे उससे अच्छी लगती है वैसे तो. ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये थोड़ा ज़्यादा वोबल करती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा. तो क्या रहा गाइज नतीजा? अरे यार नहीं, इतना फर्क नहीं, मतलब साथ साथ ही चलती है. हाँ स्मूथ ज़्यादा वो है, हाँ ये टू सिलेंडर है तो ज़्यादा स्मूथ है, वो इतनी स्मूथ नहीं है. ही तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस. वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि ये ड्रैग्स तो देखो आती रही.